होगा। हमेशा की तरह आज हम आपको फाइव पार्टी बेसिक डांस स्टेप बताएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हमारे बड़े प्यारे प्यारे स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको करना कैसे, पहले हम आपको वो स्टेप काउंट्स के ऊपर करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेप आप सबने बहुत टाइम देखा होगा, तो इसको इजी तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए और आपने अपना राइट पैर साइड में लेके जाना है। साइड में पैर लेके जाते हुए आपका जो बॉडी है वो ऊपर से स्ट्रेट रहेगा, उसको आपने आगे को नहीं लेके जाना। आपका बॉडी ऐसे आएगा, सिर्फ आपका पैर आगे को जाएगा और आपने आगे टो लगा लेना है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप सीधे खड़े हो जाइए और आपने अपने पैर को आगे लेके जाना है साइड में, ऐसे आगे नहीं लेके जाना, साइड में लेके जाना, साइड में लेके जाना और आपका जो बॉडी है ऊपर से स्ट्रेट रहेगा, ना ही तो वो ऐसे जाएगा ना ही तो एक्स्ट्रा ऐसे जाएगा, ऐसे रहेगा। और सेम अभी आप अपना जो लेफ्ट पैर है उसको आगे लेके जाओगे, सेम वही आपका जो बॉडी है वो ऐसे रहेगा, ना तो बहुत आगे जाएगा ना ही बहुत पीछे जाएगा और वापस। अभी इसके साथ जब आपके पैर आगे जाएगा तो आपके जो हाथ है वो पीछे को जाएंगे और जब पैर वापस आएगा तो आपके जो हाथ है क्लोज आएंगे। एक बार हाथों के साथ फिर से 1 2 3 4 फिर से एक बार इसी स्टेप को थोड़ा सा फास्ट करके दिखाते हैं। 1 2 3 and 4 वेरी गुड, 1 2 3 4 अभी देखिए इस स्टेप को भी आप बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत तरीके से, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ आप कोई भी स्टेप हो उसको बहुत डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। इसमें भी आप अपने, अगर आपका फ्लो अच्छा बन रहा है तो अपने हाथों को कैसे ऐसे करके भी कर सकते हो, कैसे भी आप अपने ऐसे करके भी कर सकते हो, बहुत तरीके से कर सकते हो। ओके गाइस, जो हमारा नेक्स्ट सेकंड स्टेप है उसको करने के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट आपका राइट लेग है वो आगे रखना है ऐसे, गुड, और आपके हैंड दोनों डाउन जाएंगे और फर्स्ट राइट मूव करेंगे हैंड को और स्नैप 1 लेफ्ट 2 3 एंड 4। इसके साथ हमें क्या करना है, जो आपका बॉडी है उसको थोड़ा बाउंस करना है और आपके नी को थोड़ा बैंड करना है 1 2 3 एंड 4 एंड इसके साथ अपनी बॉडी को मूव करना है फ्रंट एंड बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 गुड। आपका जो हमारा थर्ड स्टेप है उसको पहले हम आपको काउंट्स के ऊपर करके दिखाएंगे। 1 2 3 and 4 5 6 7 8 इस स्टेप की खासियत ये है कि अगर आप जुम्बा करने के शौकीन हैं तो भी आप ये स्टेप ट्राई कर सकते हो और पार्टियों में या वैसे डांस में तो आप इसको कर ही सकते हो। तो इसको करना कैसे है वो अभी देख लीजिए। सबसे पहले आपने अपना राइट पैर लाइक, जैसे आप एक स्टेप आगे को लेते हो आपने एक स्टेप आगे लेना है और इसमें आपका जो नॉर्मली स्टेप होता है उससे थोड़ा सा लाउड लेना है और आपका जो मेन स्टेप है वो हल्का सा साइड में जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए 1 और फिर आपने अपना लेफ्ट पैर 2 इस स्टेप में आप देख रहे हो कि मैं हल्का सा अपना जो वेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर दे रही हूँ और फिर से आपने यहीं पे इसको आपने ऐसे बॉडी पीछे नहीं लेके जाने, सिर्फ पहले आपने अपने पैरों को आगे लेके जाना है और अभी वापस से आपका जो पैर है पीछे गया और फिर दूसरा पैर पीछे गया। फिर से एक बार स्टेप को देख लीजिए, आपका बॉडी पीछे है सिर्फ आपका पैर आगे गया और 2 and 3 and 4 फिर से एक बार थोड़ा फास्ट काउंट्स के साथ 1 2 3 and 4 5 6 7 8 अभी ये वाला स्टेप करते हुए आप इसमें, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, आप अपने हाथों को बहुत तरीके से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ड्रेस, आपकी कैसी ड्रेस है, आप बॉय हो गर्ल हो क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। अभी मैं आपको काउंट्स के साथ अपने अपने दीप अपने तरीके से स्टेप को करेगा, मैं अपने तरीके से करके दिखाती हूँ फ्री स्टाइल फन में। ओके काउंट्स के ऊपर हम करते हैं 5 6 7 and good 1 2 3 and 4 5 6 7
8. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आज का जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसको कैसे करना है, पहले काउंट्स के ऊपर एक बार आपको करके दिखाते हैं. 3, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले आपका जो राइट पैर है उस पे हल्का सा टो पे आ जाइए, हल्का सा बॉडी को साइड में मूव करिए और आपका बॉडी ऐसे होने की बाद आपको अपना जो अगर आपका राइट पैर आपने बैंड किया हुआ है तो आप राइट साइड अपने हाथों को ऊपर लेके जाओगे. तो यहां पर करने के बाद आपका आपने अपनी बॉडी को बाउंस देना है. चेस्ट 1 2, एक बार फिर से देख लीजिए, आपने हल्का सा बैंड किया, पैर को मोड़ा, राइट हैंड आपका अप और बाउंस, चेस्ट बाउंस 1 2. फिर सेकंड सेम पैर ऐसे किया हाथ ऊपर 2 3, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी फिर से एक बार इस स्टेप को थोड़ा आराम से देख लीजिए, आपने राइट पैर को ऐसे बैंड करना है, हल्का सा बॉडी बैंड, साइड एक साइड झुक जाइए और बाउंस देना है चेस्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8. ये स्टेप को भी आप जैसे कि बोलती हूँ बहुत तरीकों से कर सकते हो. इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आज जितने भी आप आज के जो स्टेप्स हैं वो आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप घर पे ही डांस सीख जाओगे. तो हमें ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहना और प्लीज लाइक शेयर एंड